रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों की तादाद में मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, सुबह को बनाते हैं और शाम को तोड़ डालते हैं। क्या मतलब हुआ है? भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों करते हैं? कहां की यादगार है कि सवेरे को लाखों की तादाद में शालिग्राम बनावेंगे, मिट्टी के ही बनावेंगे। ये शरीर मिट्टी का है ना। संगम युग में जो ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मणों का शरीर भी तो मिट्टी का ही होता है ना। तो भक्ति मार्ग में भी मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, सुबह को बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ है? अरे सवेरे को निश्चय बैठता है और शाम को निश्चय उखड़ जाता है। ऐसे बनना और बिगड़ना होता रहता है। तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक तो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, क्या मिट्टी माना देह अभिमान की मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं लाखों की तादाद में, फिर और रुद्र पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। जरूर रुद्र ने प्योरिटी की पराकाष्ठा धारण की होगी। उस पराकाष्ठा के संग के रंग में जो शालिग्राम बनाए जाते हैं वो भी पवित्र माने जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बना करके फिर उनकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, फिर बाद में तोड़ डालते हैं। कहां की यादगार है? संगम युग में सतो प्रधान शूटिंग होती है, फिर तमो प्रधान शूटिंग भी होती है। सतो प्रधान शूटिंग में जो जो आत्मा ज्ञान में आती जाती है आत्मिक स्टेज धारण करती है, और फिर जब उतरते उतरते तामसी स्टेज में आती है तो देह अभिमान की मिट्टी से भरपूर हो जाती है। संग के रंग में आते आते जब आत्मिक स्थिति खलास हो गई तो प्योरिटी भी खलास हो जाती। प्योरिटी ही नहीं रही तो फिर बाकी क्या बचा? पूजा किसकी होगी? प्योरिटी की। तो शालिग्राम को तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं।